पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भारत के सबसे बड़े रहस्यमयी और खजाने वाले मंदिर के रूप में जाना जाता है। साल 2011 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मौजूद 6 दरवाजों को खोला गया, जिनमें इतना सोना मिला जिनकी कीमत खरबों रुपए में बताई जाती है। लेकिन 7वां दरवाजा आज तक खोला नहीं गया, या यूं कहे कि कोई भी उसे खोल नहीं पाता है। बताया जाता है कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है जिसे कोई भी नहीं जानता है। आज के इस वीडियो में 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद एक प्रमुख धार्मिक मंदिर है और इस मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। आपको बता दें कि ये मंदिर 108 दिव्य स्थानों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से पद्मी यानी कमल का पुष्प निकला हुआ है। इस कमल पर विराजमान है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी। यह दिव्य मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहां केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं। इस मंदिर का रहस्य और भव्यता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर को 6वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। त्रावणकोर के राजाओं ने भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना जीवन और संपत्ति सब कुछ सौंप दिया था। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया था। इसके बाद से राजघराना ही मंदिर के देखरेख का काम करता है और मंदिर से एक कण तक अपने साथ नहीं ले जाता है। बताया जाता है कि राजघराने के लोग आज भी मंदिर से निकलते समय अपने पैरों को साफ करके निकलते हैं, ताकि मंदिर का एक भी कण उनके साथ ना जाए। त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। आजादी के बाद इस मंदिर को भारत सरकार को सौंप दिया गया, लेकिन इस मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में नहीं लिया और इसे शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तब से पद्मनाभ स्वामी का कामकाज शाही परिवार के लोग चलाते आ रहे हैं। 2011 में हाई कोर्ट में ये अर्जी दी जाती है कि इस मंदिर में बहुत सारा धन है और उसे मंदिर वालों के द्वारा छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद हाई कोर्ट ने उस अर्जी को मंजूर कर लिया और 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की एक टीम को मंदिर में जाने को कहा गया और मंदिर की संपत्ति को पता लगाने का काम दिया गया। जब वो टीम मंदिर में पहुंची तो उनको मंदिर के नीचे 7 दरवाजे मिले, लेकिन उन दरवाजों को खोलने के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ा और आखिरकार 31 जुलाई 2011 को इन दरवाजों को खोलने की इजाजत मिल गई। इन दरवाजों को खोलने पर सोने के कई सिक्के मिले और हीरे जवाहरात मिले। इस पूरे खजाने में केवल सोने का वजन ही 1000 किलो से अधिक बताया गया है। ये पूरा खजाना लगभग 12 खरब रुपए का था। आपको बता दें कि किसी भी सोने के आभूषण का वैल्यू आज के वक्त लगभग 10 गुना ज्यादा होता है। इसके हिसाब से इस खजाने का हिस्टोरिक वैल्यू लगभग 120 खरब रुपए तक आ जाता है। और ये पूरा खजाना मंदिर के 6 दरवाजों को खोलने पर मिला था। अभी भी इस मंदिर का एक दरवाजा खोला जाना बाकी था। जैसे ही 7वें दरवाजे यानी वॉल्ट बी के पास पहुंचे तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम को रोक दिया गया। लोगों का मानना है कि अगर 7वां दरवाजा खुला तो कुछ अशुभ घटना घट सकती है। मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के राजाओं ने बेशकीमती खजानों को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छुपाया था, जिसे हजारों सालों तक किसी ने खोला नहीं और इस तरह बाद में इस तहखाने को स्थापित माना गया। बताया जाता है कि एक बार किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से उसकी मौत हो गई। दरअसल ये दरवाजा स्टील का बना हुआ है और इस दरवाजे में कोई नट बोल्ट या ताला नहीं लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग मंत्रों के प्रयोग से बांधा गया है और आज तक इस दरवाजे को कोई भी नहीं खोल पाया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।